तो सो फार मॉर्निंग से व्हाट इज द स्टोरी सिंस मॉर्निंग 4:30, 5:30, 6:30 एंड 7:30 ये फाइनल रिजेक्शन के बाद मैं ये शॉर्टिंग ओपन किया शॉर्ट पोजीशन एंड सो फार इट इज वर्किंग स्मूथ लाइक बटर। ये बिटकॉइन है भाई, मिनिमम 23% प्रॉफिट विद 13x लेवरेज। I am still holding my position. So now the question is, क्या अभी भी एक entry possible है? Yes or no? इतना आसानी से थोड़ी बोल देंगे। To know about that, watch this video till the very end, क्योंकि this position will remain open till 12 o'clock tonight. So make sure you are watching this video till the very end, क्योंकि मेरा entry 10 होता है। Hey guys, this is Dave. Welcome back to Bitbull. Hope you all are doing well and good. So before I go forward, let's smash onto the like button to our new all-time high. Subscribe this channel to stay profitable regardless of any situation, chahe market upar ya niche. We will be profitable every single day. Upar jata hai toh we'll do long, niche aata hai toh we'll do short. As simple as that. But to make it much more simpler, you have to be a part of our Twitter and Telegram handle, jiska link video description pe mil jayega, and jahan pe we post all the market situation, technical updates, trading updates on time live. So be a part of all these three to stay ahead of this entire market. So let's go forward. Like every day, जैसे कि मैं एक कॉमेडी स्टोरी बताता हूँ, सो ये कॉमेडी स्टोरी हमेशा हम लोगों का इंडियन गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही होता है। सो हम लोगों का अगेन माननीय शक्तिकांत जी फिर से कॉमेडी किया है। इसने बोल रहा है कि जो CBDC आने वाला है ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को एकदम जरों से मिटाने वाला है, लाइक हेड एंड शोल्डर। लेकिन द फनीएस्ट पार्ट, शक्तिकांत जी ने ये नहीं बताया है कैसे ये जरों से मिटाएगा, कहां पे इंडियन करेंसी जो कि आज तक डॉलर के आसपास नहीं आ पाया, जो कि आज तक थाईलैंड के करेंसी के आसपास नहीं आ पाया। उस दिन थाईलैंड के ट्रिप प्लानिंग के टाइम पे जब करेंसी चेक कर रहा था, हम लोगों का 40,000, उन लोगों का बस 20,000। जो इंडियन करेंसी थाईलैंड का करेंसी को बीट नहीं कर पाया वो बिटकॉइन को टक्कर देगा, वो भी क्या जरों से मिटाने वाला है। तो शक्तिकांत जी बहुत ही ज्यादा होपफुल है, लेकिन शक्तिकांत जी ने ये नहीं बताया कि कैसे मिटाने वाला है। उसने तीनों पॉइंट लाया है, उसके बाद सब मिलके एक के बाद एक आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल देना बड़े आराम से। तो जो तीनों पॉइंट इसने बताया, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक तो ये है स्टेबल कॉइन का डिपेट, जो कि मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ वेल्स सही में बहुत ही घटिया काम कर रहा है इस मार्केट के साथ, जो भी छोटा मोटा स्टेबल कॉइन से उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके चलते मार्केट में थोड़ा बहुत तहलका मचा हुआ है। बट स्टिल बिटकॉइन इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, जो कि $30,000 $28,000 का इसका सपोर्ट लाइन है। सो फार इट इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, कल का पता नहीं, आज तक इट इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। अगर नीचे जाएगा भी तो कितना जाएगा, 28, 22, 23, but इतना बड़ा $40 billion के घपला होने के बाद भी बिटकॉइन इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। सेकेंड जो इनका मुद्दा है, जो कि ये जो प्राइवेट करेंसीज है, ये इंडियन मॉनेटरी फंड हो या फिर US का मॉनेटरी फंड हो, ये सही से नहीं चलाने देगा, क्योंकि इन लोगों का रूल्स एंड प्राइवेट करेंसीज लाइक बिटकॉइन का रूल्स एकदम अलग है। अगर रूल्स को सेम ही रखना था तो उसने क्यों बनाया है इतना माथा पेटी करके बिटकॉइन को, जरूर रूल्स के बाहर ही काम करना था उसको। ये गया सेकेंड। नाउ थर्ड, विच इज द मोस्ट फनीएस्ट, रिसेंट वॉल्यूम ड्रॉप को ये लोग बोल रहा है कि बिटकॉइन का डिफीट हो रहा है। बिटकॉइन का जो चार्मनेस है, बिटकॉइन का जो मतलब मार्केट में डिमांड है, वो कम हो रहा है। रिसेंट वॉल्यूम डाउन क्यों है, ये लोग खुद से अगर बैंकिंग सिस्टम को चोक करके रखेगा, ना UPI काम कर रहा है, ना IMPS काम कर रहा है, ना ही नॉर्मल नेट बैंकिंग कर रहा है, ना ही MobiKwik काम कर रहा है, मतलब ये लोग काम करने नहीं दे रहा है। तो ये लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वॉल्यूम सेम जैसे रहेगा, भाई एक साइड ओपन करके दिखा वॉल्यूम इतना आ जाएगा ना, उतना पैसा तो रिजर्व बैंक के खाते में भी नहीं होगा। तो ये तीनों रीजन सुनने के बाद देखो, ये तो एकदम क्लियर था कि इन लोगों के कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एकदम जीरो है। तो ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि इन लोगों का घमंड बहुत जल्दी टूटने वाला है, ये लोगों का सिंहासन बहुत जल्दी पलटने वाला है, क्योंकि ये लोगों का जो बात है ये सब बातों में ना कोई लॉजिक ना कोई सेंस। सो बोलने दो, अगर पैसा नहीं भी डाल पा रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट है
उसको स्टेकिंग पे डालो, एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे लेके जाओ, जो भी पैसा INR पे है उसको डॉलर पे डाल के उसको फ्यूचर पे डालो, कमाते जाओ कमाते जाओ, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। आई होप सो फार सबके अकाउंट पे एटलीस्ट एवरेज में, मतलब एकदम बेयर मिनिमम, एकदम मिनिमम 10,000 रुपीज तो होगा। सो उस 10,000 रुपीज का बहुत कुछ हो सकता है इफ यू जस्ट फॉलो माई ट्विटर हैंडल, फॉलो माई चैनल। मैं महीने में 5 से 6 कॉल देता हूँ एंड वो 5 से 6 कॉल में आई ट्राई टू गिव माई 100%। अगर 5 से 6 कॉल्स होगा उसमें से एक कॉल इधर उधर हो सकता है, बाकी 95% टू द पॉइंट होता है। एंड ये सब बातों में मत आओ, ये लोगों के बातों में कुछ सेंस नहीं बनता है। तो ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 25% से 30% हो चुका है। नाउ द ओनली थिंग फ्रॉम आर इन्वेस्टमेंट perspectives, आई वुड नेवर वांट बिटकॉइन टू लूज दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि सी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज टू डिफरेंट चैप्टर। ये वाला इन्वेस्टमेंट चैप्टर हर महीने जाता है, अनटचेबल है, चाहे बिटकॉइन का प्राइस इधर रहे और एकदम जमीन खोद के नीचे चला जाए, दिस विल बी अनटचेबल। बट ये ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से टू मेक मोर प्रॉफिट आई वॉन्ट बिटकॉइन टू लूज दिस पार्ट एंड टू कम डाउन ऑल द वे टू 28,500 टू $29,000। नाउ लेट्स चेक बिटकॉइन्स रिसेंट मूवमेंट। सो फ्रॉम ये 30th of May से बिटकॉइन हायर हाई क्रिएट करना स्टार्ट किया है, हाई हायर लोज, हाई लो, हायर हाई, हायर लोज, अगेन हायर हाईज, हायर लो। तो ये जो स्टोरी था, ये स्टोरी इधर ही एंड होता है। उसके बाद से हाई, लोअर हाई, ऑल द वे डाउन, लोअर लो, उसके बाद फिर से लोअर हाई। एंड ये जो पोजीशन है अभी जो बिटकॉइन जहां पे होल्ड कर रहा है, ये वाला पोजीशन स्टिल इन अ हायर लो पोजीशन। अगर ये सारे के सारे स्टोरी छोड़ के मैं अगर ये वाला तीनों पॉइंट देखो तो ये है लो हाई, हायर लोज, हायर हाई, सो फार दिस इज द लोअर लो। सो ये वाला मोमेंटम अगर बिटकॉइन को ब्रेक करना है, मतलब ये वाला ट्रेड पे अभी तक ओपनिंग बाकी है या नहीं है, देन डेफिनेटली अगर बिटकॉइन इधर से एक जंप करे भी छोटा मोटा, देन दिस जंप शुड नॉट बी क्रॉसिंग दिस पार्ट और दिस पार्ट। तो इधर तक आके जब बिटकॉइन नीचे के तरफ फिर से अपना रास्ता बनाना स्टार्ट करेगा, देन ओनली वी कैन से कि दिस इज अनदर लोअर लो, दिस इज अनदर लोअर स्टोरी इज गोइंग टू स्टार्ट इन बिटकॉइन्स आवरली कैंडलस्टिक चार्ट। So that's it from my side, guys. Thank you for watching. I'll definitely update. Be connected. Twitter handle, jiska link video description pe mil jayega. So I'll definitely update. Agar koi bhi scene banta hai in next 2 to 3 hours, definitely I'll update in my Twitter handle. And nahi banta hai, to I'll update the end result. And definitely next time koi bhi opening banega, to definitely I'll be the first person to notify all of you. So stay tuned. To aaj ka din ya fir kal ka din, next 24 hours Bitcoin ka price thoda sa dabe hue रहेगा। इट वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड, जो कि कल के वीडियो पे या फिर परसों के वीडियो पे भी मैंने बहुत क्लियरली बोला है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, देव साइनिंग ऑफ।